नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुबोध डिजिटल यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर अटल पेंशन योजना क्या है, आप इसके बारे में वीडियो बनाइए और बताइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस योजना के बारे में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि योजना जो चालू हुई थी 2015 में स्टार्ट हुआ था, जो कि उस समय काफ़ी ज़्यादा लोगों को योजना के बारे में पता नहीं था कि इस योजना में कैसे शामिल हो जाता है, कैसे इस योजना में बेनिफिट मिलता है। तो बहुत से लोगों इस योजना में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन अब जो है सब लोगों को पता चल गया है और ये बैंक के माध्यम से भी जानकारी दिया जाता है कि आप इस योजना में शामिल हो जाइए, आपको ऐसे ऐसे बेनिफिट मिलेगा। जो लोग बैंक नहीं जा पाते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि इस योजना में शामिल होने से कितना फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस योजना में शामिल होने के लिए आपका जो उम्र है 18 साल से प्लस होना चाहिए। अगर आपका उम्र जो 18 साल से कम है तो आप इस योजना में शामिल नहीं हो सकते हैं। अगर आपका उम्र 19 साल का है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में लाभ लेने के लिए आपका जो है उम्र 18 साल से, जैसे कि 19 साल हो गया, तो आपका उम्र 19 साल है तो आप जो है इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। इस योजना के चालू करने के लिए आप जो बैंक के माध्यम से चालू कर सकते हैं, इसका नाम है अटल पेंशन योजना, ठीक है। तो आपको जो है इस योजना में सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो कि बहुत सारे प्लान होता है, जैसे 42 रुपया का महीना हो गया, 210 रुपया होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपका उम्र 20 साल हो गया है और आप 42 रुपये का हर महीने जमा करना चाहते हैं, तो आपके जो है 40 साल तक आपको जमा करना पड़ेगा। जैसे कि आपका 19 साल अभी उम्र हो गया और आपको जो 40 साल और जमा करना पड़ेगा 42 रुपया। यहाँ पे मैं आपको एक ही प्लान बता रहा हूँ, कई सारे यहाँ पे प्लान है, 300 का भी प्लान है आपका, 150 का भी प्लान है, 210 का भी प्लान है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर आप 42 रुपये का प्लान चालू करते हैं तो आपको 40 साल तक जो है इसमें पैसा जमा करना पड़ता है। जैसे ही आपका जो है 40 साल जमा करेंगे और आपका उम्र हो गया 18 साल ये, तो टोटल हो जाएगा 60 साल। और 60 साल के बाद जो है आपको हर महीने जो है 1000 रुपया का मंथली दिया जाता है। जब तक आपका 60 साल पूर जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको जो है हर महीने जो है 1000 रुपया आपको उसी बैंक अकाउंट में दिया जाता है। जिस बैंक अकाउंट से आपका हर महीने 42 रुपया कटता है, उसी अकाउंट में जो है आपका 1000 रुपया महीने मिल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कहीं भी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ता। आप एक बार इस योजना के बैंक के माध्यम से आप चालू करेंगे, उसके बाद जो है आपको पैसा हर महीने कटेगा 42 रुपया। और जैसे ही आपका 60 साल कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको जो है हर महीने 1000 रुपया उसी बैंक अकाउंट में आ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, इस योजना में शामिल होने के लिए कितना उम्र चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका उम्र जो है 40 साल से ज़्यादा है तो आप इस योजना में शामिल नहीं हो सकते हैं, आपके लिए ये योजना नहीं है। आपका उम्र जो 40 साल से कम का होना चाहिए और 18 साल से ऊपर होना चाहिए, तभी आप इस योजना में शामिल हो सकते हैं। कुछ लोग का सोच ये भी है कि हमारा उम्र 50 साल हो गया है, हम भी 10 साल और जमा करेंगे, उसके बाद मेरा जो है पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपका उम्र 30 साल का है तो आपको 42 रुपया जमा नहीं करना पड़ेगा। आपका जो इससे ज़्यादा महंगा का प्लान होगा, जो कि वो अलग अलग आपके उम्र पे डिपेंड करता है। ये अगर आपका 18 साल का उम्र है तो 42 रुपया से स्टार्टिंग होता है। अगर आपका जो है उम्र 30 साल से है तो आपका 300-400 तक जो है आपका प्लान यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो आपकी उम्र पर डिपेंड करता है। और इस योजना में शामिल होते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है, जो कि एक पेंशन के तौर पर बहुत अच्छा काम करता है। तो आप लोग भी अगर इस योजना में शामिल नहीं हुए तो आप लोग शामिल होइए और इसका लाभ लीजिए, क्योंकि दोस्तों आने वाले भविष्य में आपको काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो जिसका भी उम्र 20 साल हो चुका है तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर आप जो है चाहे तो 30 साल बाद भी ज्वाइन हो सकते हैं, 30 साल की उम्र में भी ज्वाइन हो सकते हैं, 35 साल की उम्र में भी ज्वाइन हो सकते हैं। वो अगर आपका उम्र जो है 40 साल हो गया तो आप इसमें ज्वाइन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका उम्र अगर 26, 27, 30 के आसपास में है तो आप इस योजना में शामिल होइए और जो भी प्लान आपको बताया जा रहा है उसको आप जमा कीजिए हर महीने। और जैसे ही आपका 60 साल कम्प्लीट हो जाएगा तो आपको जो है पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प मिलेगा। यहाँ पे 1000 से लेकर के 5000 तक को आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 से स्टार्टिंग है, अगर आप 42 का जमा करते हैं तो 1000 मिलेगा। और बीच में भी है, जैसे कि 5000 तक है, 5000 तक आपको जो है 60 साल कंप्लीट होने पर मिलेगा।